आधुनिक भारत के देशप्रेमी संत स्वामी विवेकानंद का जीवन तथा संदेश। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व हमारे स्मृति पटल पर अनेक नामों को उभार देता है, जैसे कि भारत के तूफानी संत, आधुनिक भारत के देशप्रेमी संत इत्यादि। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को जनसाधारण के उद्धार हेतु धरती पर उतरे शास्त्रों में उल्लेखित सप्त ऋषियों में से एक कहते थे। स्वामी जी के गुरु भाइयों ने तथा पाश्चात्य एवं भारतीय शिष्यों ने उनमें एक विशेष दैवी शक्ति की अभिव्यक्ति का अनुभव किया। स्वामी विवेकानंद के संबंध में नोबल प्रशस्ति प्राप्त फ्रांसीसी मनीषी रोमारोला ने कहा, 30 वर्ष की अवधि के बाद भी स्वामी जी के ये शब्द मेरे तन मन को बिना एक कंपन, बिना एक विद्युत झटका दिए स्पर्श नहीं कर सकते। कैसी कंपन, कैसे भाव इन शब्दों ने उत्पन्न किए होंगे जब स्वामी जी के श्रीमुख से यह निकले होंगे। स्वामी विवेकानंद 1902 ईस्वी में देह त्याग कर महासमाधि में विलीन हो गए। स्वामी जी की तेजस्वी वाणी आज हमारे पास उनके लेखनों, वृत्तताओं और वार्तालापों की लिखित विरासत के रूप में उपलब्ध है। उनकी स्फूर्ति वाणी आज भी अनेक मानव हृदयों को श्रेष्ठ जीवन तथा मानव सेवा व्रत की ओर प्रेरित कर रही है। स्वामी जी के विचारों से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसका कारण है उनके विचारों की चिरकालीन उपयोगिता। 100 वर्ष बीत जाने पर भी स्वामी जी की वाणी मानो पहले की अपेक्षा आज और भी अधिक प्रभावित और जीवन को नई दिशा प्रदान कर रही है। मैसूर में स्थित श्री रामकृष्ण आश्रम ने स्वामी विवेकानंद के इस जीवनदायी संदेश के प्रचार हेतु एक नया प्रयास तथा प्रयोग किया है, और वह है 40 रंगीन पोस्टरों द्वारा एक प्रदर्शन संग्रह। 40 पोस्टरों से सुशोभित इस प्रदर्शन संग्रह के 2000 बक्सों को संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रत्येक पोस्टर में अंग्रेजी के साथ किसी एक प्रादेशिक भाषा में, जैसे कन्नड़, मलयालम, आसामी, हिंदी, तेलुगु, मराठी, उड़िया तथा तमिल, गुजराती, बंगाली भाषाओं में स्वामी जी के जीवन तथा संदेश को मुद्रित किया गया। इन प्रदर्शन संग्रहों को सारे देश में स्थित विभिन्न आश्रमों, युवा केंद्रों तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्रदर्शनी के रूप में लगाया जा रहा है। उठो जागो नामक इस प्रदर्शन संग्रह द्वारा स्वामी जी के जीवन तथा संदेश से संबंधित इस प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के राष्ट्रभक्त संत स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन तथा संदेश द्वारा भारत के युवा वर्ग में उत्साह का संचार किया। भारत सरकार द्वारा उनका जन्म दिवस 12 जनवरी यह राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया है। नरेंद्र, परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वे एक साहसिक बालक तथा जन्मजात नेता थे, जो खेल, संगीत तथा अध्ययन में बड़े ही उत्कृष्ट थे। ध्यान परायणता के प्रति प्रबल रुझान तथा निर्धनों के प्रति गहन सहानुभूति के सहित वे बड़े हुए। जब एक बूढ़े व्यक्ति ने नरेंद्र तथा उसके मित्रों को यह कहकर डराने का प्रयत्न किया कि पेड़ पर भूत रहता है,
तो नरेंद्र ने ऐसी आशंकाओं में विश्वास न करने को कहा, क्योंकि यदि वास्तव में ही भूत होता तो वह बहुत पहले से ही उन्हें कष्ट पहुंचाता। परवर्ती काल में उन्होंने घोषणा की, किसी बात का विश्वास इसलिए मत करो कि तुमने इसके बारे में किताबों में पढ़ा है या किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा कहा है। सत्य को स्वयं जानो, यही अनुभूति है। जीवन के सच्चे उद्देश्य में रुचि रखने वाले युवक नरेंद्र ने विस्मयपूर्वक सोचा कि क्या कोई ऐसा महानुभाव हो सकता है जिसने ईश्वर के दर्शन किए हो। दक्षिणेश्वर कोलकाता के श्री रामकृष्ण परमहंस ही एकमात्र ऐसे महानुभाव थे जो उन्हें बता सके कि उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, तथा यदि कोई सच्चे मन से चाहे तो वह भी ईश्वर के दर्शन पा सकता है। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण को गुरु स्वीकार किया। श्री रामकृष्ण ने हिंदुओं के अनेक संप्रदायों एवं इस्लाम तथा ईसाई धर्मों की भी आध्यात्मिक साधना की। उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है तथा मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। उन्होंने घोषित किया कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। श्री रामकृष्ण ने समझाया कि यद्यपि भिन्न प्रकार के लोग तालाब के अलग अलग घाटों से पानी लेते हैं, कोई इसे जल कहता है, कोई पानी तथा कोई आकुआ, परंतु वास्तव में सभी एक ही पानी लेते हैं। इसी प्रकार लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हुए कृष्ण उसे राम, शिव, बुद्ध, अल्लाह तथा ईसा आदि नामों से पुकारते हैं। श्री रामकृष्ण का कहना था कि मनुष्यों की सहायता दया के कारण नहीं, अपितु उन्हें भगवान का अंश मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। जब वे तीर्थ यात्रा पर थे तो उन्होंने वैद्यनाथ धाम में अनेक लोगों को अकाल से पीड़ित देखा। वे अपनी तीर्थ यात्रा की बात ही भूल गए और अपने रसददार मथुरानाथ को उन भूखे लोगों की सेवा करने को कहा। ১৮৮৬ में अपने गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों को संगठित करके श्री रामकृष्ण के नाम पर सन्यासियों का एक संघ बनाया। भारत भर में भ्रमण करते हुए स्वामी जी धनी तथा निर्धन लोगों से मिले तथा राजाओं और किसानों के यहाँ रहे। इस प्रकार उन्होंने असली भारत को पहचाना जो देहातों में है। वाराणसी में बंदरों के एक झुंड द्वारा पीछा किए जाने पर जब वे बचने के लिए भाग रहे थे तो एक साधु ने उच्च स्वर में उनसे कहा, शैतानों का सामना करो। जब स्वामी जी ने मुड़कर उनका सामना किया तो वे तुरंत भाग खड़े हुए। परवर्ती काल में उन्होंने सलाह दी, हमें कठिनाइयों से डरकर नहीं भागना चाहिए, परंतु उनका सामना करना चाहिए। अपनी समस्याओं को हल करने का एकमात्र मार्ग यही है। राजस्थान में अलवर के राजा ने तथाकथित आधुनिक विचारों के प्रभाव में आकर मूर्ति पूजा की निंदा की। तब स्वामी जी ने दरबारियों से कहा कि वे राजा के चित्र पर थूकें। जब उन्होंने इनकार किया तो स्वामी जी ने ध्यान दिलाया, यद्यपि चित्र में तो मांस तथा अस्थियों आदि से निर्मित राजा का शरीर नहीं है, फिर भी ये उसका द्योतक है। इसी प्रकार लोग पाषाण मूर्तियों, वृक्षों आदि का पूजन केवल भगवान का स्मरण करते हुए ही करते हैं। कन्याकुमारी में भारत के अंतिम शिलाखंड पर बैठे स्वामी जी गहन ध्यान में मग्न हो गए। उन्होंने भारत की महानता तथा इसकी वर्तमान अवनति पर विचार किया। उन्होंने त्याग तथा सेवा के दोहरे आदर्श द्वारा भारत के पुनरुद्धार की योजना के बारे में सोचा। अपनी योजनाओं को फलान्वित करने के लिए उन्होंने मन में सोचा कि पश्चिमी देशों से हम तकनीकी शिक्षा लाएंगे तथा बदले में उन्हें वेदांत सिखाएंगे। उन्होंने 1893 में
अमेरिका के शिकागो नामक नगर में होने वाली विश्व धर्म महासभा में भाग लेने का निश्चय किया तथा मुंबई से अमेरिका की ओर समुद्री यात्रा की। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुई विश्व धर्म महासभा में स्वामी जी के उद्घाटक शब्दों अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों श्रोताओं से सहज प्रशंसा अर्जित की। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सर्वभाव स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी है। हम लोग सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। अंतिम सत्र में उन्होंने कहा, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और ना ही हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई, पर हां प्रत्येक को दूसरों की भावना को आत्मसात करते हुए अपना वैशिष्ट्य बनाए रखना होगा। सहायता करो, लड़ो मत, परभाव ग्रहण ना कि परभाव विनाश, समन्वय और शांति ना कि मतभेद और कलह। विश्व धर्म महासभा में अपनी कीर्ति के अति उच्च शिखर पर आरोहित होते हुए वे अपने निर्धन देशवासियों के लिए अति गहन करुणा अनुभव कर रहे थे। अपने मेजबान के घर में आरामदायक गद्दे पर सोने के बजाय उन्होंने आंसू बहाते हुए भूमि पर ही पड़े रहना पसंद किया। अपने एक व्याख्यान में स्वामी जी ने कहा था, पश्चिम में आने से पहले भारत को मैं प्यार ही करता था, अब तो भारत की धूली भी मेरे लिए पवित्र है। भारत की हवा अब मेरे लिए पावन है। भारत अब मेरे लिए तीर्थ है। जब एक अमेरिकन मित्र ने उनसे पूछा कि वह उनके कार्य में कैसे सहायता कर सकती है, तो उन्होंने उसे कहा, भारत से प्रेम करो। उन्होंने अपने देशवासियों के उद्धार के लिए गहन चिंतन किया। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को अनेक प्रेरक पत्र लिखे। मैसूर के महाराजा को लिखे पत्र का एक भाग इस प्रकार है, महामन राजन, ये जीवन क्षण स्थायी है, संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर हैं, वे ही यथार्थ में जीवित हैं। जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं, बाकी लोगों का जीना तो मरने से भी बदतर। पश्चिम में वेदांत का प्रचार कर स्वामी जी 26 जनवरी 1897 को भारत पहुंचे। रामेश्वरम मंदिर में उत्साहपूर्ण स्वागत के उत्तर में उन्होंने कहा, यदि किसी मनुष्य ने किसी एक निर्धन मनुष्य की सेवा शुश्रूषा बिना जात पात अथवा ऊंच नीच के भेदभाव के ये विचार कर की है कि उसमें साक्षात शिव विराजमान है, तो शिव उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा, जो कि उन्हें केवल मंदिर में देखता है, अधिक प्रसन्न होंगे। संपूर्ण भारतवर्ष में अपने व्याख्यानों के दौरान अपने देशवासियों के प्रति स्वामी जी के उत्साहवर्धक शब्द थे, क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं? क्या इस भावना ने तुमको निद्रहीन कर दिया है? माना तुम अनुभव करते हो, परंतु क्या तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है?
क्या तुम पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांघकर कार्य करने के लिए तैयार हो? लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा ना दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के एक छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती है। शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। नैतिक और बौद्धिक दोनों ही प्रकार की। लोगों को शिक्षित करो ताकि वे आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी होना सीखें। यदि निर्धन व्यक्ति शिक्षा के लिए नहीं आ सकता तो शिक्षा को निर्धन तक पहुंचाना चाहिए। एक नवीन भारत निकल पड़े। निकले हल पकड़कर किसानों की कुटियाओं से, मछुए माली तथा मेहतर की झोपड़ियों से, निकल पड़े पंसारी की दुकान से, भुजवा के भार से, कारखाने से, हाटों से, बाजारों से, निकले झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वतों से। प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। पहली, सदाचार की शक्ति में विश्वास। दूसरी, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग। और तीसरी, जो सत्कर्म करने के लिए यत्नवान हो या कर रहे हो उनकी सहायता करना। वो ये एक महान रहस्य है। ईर्ष्या का अभाव, अपने भाइयों के मत से सहमत होने के लिए तैयार रहो तथा सर्वदा मेल मिलाप करने का प्रयत्न करो। सच्चा शिक्षक वही है जो विद्यार्थी को सिखाने के लिए तत्काल उसी की मनोभूमि पर उतर आए और अपनी आत्मा को अपने छात्र की आत्मा से एक रूप कर सके और जो छात्र की दृष्टि से देख सके, उसी के कानों से सुन सके तथा उसी के मस्तिष्क से समझ सके। ऐसा शिक्षक ही शिक्षा दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। शिक्षा किसे कहते हैं? क्या ये पठन मात्र है? नहीं। क्या ये नाना प्रकार का ज्ञानार्जन है? नहीं, ये भी नहीं। जिस प्रशिक्षण के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वशीभूत करके उसे फलदायी बनाया जाता है, उसी को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि दिमाग में ढेर सारे तथ्य ठूंस दिए जाए। सभी उपकरणों को पूर्ण रूप से तैयार करना तथा अपने मन पर संपूर्ण अधिकार कर लेना ही शिक्षा का आदर्श है। हमारी शिक्षा अवश्य ही ऐसी होनी चाहिए जिससे जीवन का निर्माण हो, मनुष्य का निर्माण हो तथा चरित्र का निर्माण हो, जिससे मानसिक बल की वृद्धि हो, बुद्धि का विकास हो तथा जिसके द्वारा हम अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सके। हमें चाहिए पाश्चात्य विज्ञान किंतु वेदांत के साथ ब्रह्मचार्य पथ प्रदर्शक आदर्श हो, साथ ही अपने ऊपर श्रद्धा तथा विश्वास
एकमात्र इस श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य मनुष्य में अंतर पाया जाता है। इसका कोई अन्य कारण नहीं, ये श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को कमजोर तथा छोटा बनाती है। तुम अपने को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो और घोरतम मोह निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो। जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर सक्रिय हो उठेगी, तब तुम स्वयं ही शक्ति का अनुभव करोगे, महिमा और महत्ता पाओगे, तुम में साधुता आएगी, पवित्रता भी आएगी। मतलब ये कि जो भी उत्कृष्ट गुण हैं, वे सभी तुम्हारे पास आ पहुंचेंगे। भारतवर्ष में स्त्रीत्व मातृत्व का ही बोधक है। मातृत्व में महानता, स्वार्थ शून्यता, कष्ट सहिष्णुता और क्षमाशीलता का भाव निहित है। स्त्रियां जब शिक्षा से उन्नत होंगी तो उनकी संतानों द्वारा देश का गौरव बढ़ेगा और देश में विद्या ज्ञान शक्ति तथा भक्ति जाग उठेगी। हमारी नारियों को धर्म शिल्प विज्ञान गृह कार्य भोजन बनाना सिलाई स्वच्छता आदि सब विषयों की आवश्यक बातें सिखाना आवश्यक है। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं गौण रहनी चाहिए। धर्म शिक्षा चरित्र गठन तथा ब्रह्माचार्य पालन, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। स्त्रियों की समस्याओं को हल करने वाले तुम हो कौन? क्या तुम प्रत्येक विधवा और प्रत्येक स्त्री के भाग्य विधाता भगवान हो? दूर रहो, अपनी समस्याओं का समाधान वे स्वयं खोज लेंगी। पहले अपनी नारियों को शिक्षित करो और उनकी समस्याओं का हल उन पर छोड़ दो। तब वे तुम्हें बताएंगी कि उनके लिए किस प्रकार के सुधार आवश्यक हैं। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंततः प्रकृति को वशीभूत करके इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म उपासना मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत अनुष्ठान पद्धति शास्त्र मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण ब्यौरे मात्र हैं। एक सर्वांगीण व्यक्तित्व का विवरण स्वामी जी ने इस प्रकार दिया है। तुम्हें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि एक क्षण तो तुम पूर्ण रूप से ध्यान में मगन हो सको, पर दूसरे ही क्षण खेतों में जाकर जुताई करने के लिए उघट हो सको। अभी तुम इस बात के योग्य बनो कि शास्त्रों की कठिन गुत्थियों को स्पष्ट रूप से समझा सको, पर दूसरे ही क्षण उसी उत्साह से खेतों की उपज को बाजार में भी बेच सको। ध्यान का अभ्यास
मानसिक एकाग्रता की ओर ले जाता है। एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक होगी, ज्ञान का अर्जन भी उतना ही अधिक होगा। एकाग्रता की शक्ति में ये अंतर ही मनुष्य मनुष्य के बीच अंतर पैदा करता है। प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा सभी को ईश्वर के समान देखो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेवा करने का ही अधिकार है। यदि तुम्हें अधिकार है तो प्रभु की संतानों की सेवा द्वारा प्रभु की ही सेवा करो। यदि ईश्वर अपनी एक संतान की सहायता करने का भी अवसर तुम्हें देते हैं तो तुम धन्य हो। जगत को प्रकाश कौन देगा? बलिदान भूतकाल से ही नियम रहा है और हाय, युगों तक इसे रहना है। संसार के वीरों को और सर्वश्रेष्ठों को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय अपना बलिदान करना होगा। असीम दया और प्रेम से परिपूर्ण सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है। हे भाइयों, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। ये सोने का समय नहीं है। हमारे कार्यों पर भारत माता का भविष्य निर्भर है। देखो, वो तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है, वो केवल सो रही है। उठो और जागो और पहले की अपेक्षा अधिक गौरवमंडित और अभिनव शक्तिशाली बनाकर भक्ति भाव से उसे उसके चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित देखो। हो सकता है एक पुराने वस्त्र के त्याग देने के सदृश अपने शरीर से बाहर निकल जाने को मैं बहुत उपादेय पाऊं, लेकिन मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा। जब तक सारी दुनिया ना जान ले, मैं सब जगह लोगों को यही प्रेरणा देता रहूंगा कि वो परमात्मा के साथ एक है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद महासमाधि में लीन हुए। गहन ध्यान में आत्मविभोर हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ उद्गार। रविंद्रनाथ टैगोर। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमारोला। शरीर में विद्युत स्पर्श की भांति सिहरन का अनुभव किए बिना मैं उनके इन वचनों का उच्चारण नहीं कर सकता, और जब वे इस नायक के मुख से ज्वलंत शब्दों में निकले होंगे तब न जाने कैसे आघात एवं आवेग पैदा किए होंगे। महात्मा गांधी। मैंने स्वामी विवेकानंद के साहित्य को खूब अच्छी तरह से पढ़ा है और उसे पढ़ने के बाद मेरा स्वदेश प्रेम हजार गुना बढ़ गया है। सुभाष चंद्र बोस। स्वामी जी का व्यक्तित्व ज्वलंत पौरुषयुक्त था तथा अपने अंतरतम से वे योद्धा थे। अंततः वे शक्ति के पुजारी थे तथा अपने देशवासियों के उद्धार के लिए उन्होंने वेदांत की व्यावहारिक व्याख्या की। राजगोपालाचार्य। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को बचाया तथा भारत को भी बचाया। उनके बिना हम अपना धर्म खो देते और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हम सब कुछ के लिए स्वामी विवेकानंद के ऋणी हैं। जवाहरलाल नेहरू। यदि आप स्वामी विवेकानंद के लेखों तथा भाषणों को पढ़कर देखो
तो विचित्र बात यह पाओगे कि वे पुराने ढर्रे के नहीं हैं, वे आज भी नवीन हैं। और मैं सोचता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी उस प्रज्ञा, उस ज्वलंत भावना के स्रोत का लाभ उठाएगी जो स्वामी विवेकानंद के माध्यम से बहती है। आपके लिए स्वामी जी का आह्वान, मनुष्य मनुष्य मात्र चाहिए, परंतु शक्तिशाली, उत्साही, आत्मविश्वास से पूर्ण युवा, हड्डियों पर्यंत ईमानदार मनुष्य चाहिए। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी नई पीढ़ी में है। मेरे कार्यकर्ता उनमें से आएंगे, सिंहों की भांति वे सारी समस्या का हल करेंगे। वे एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। जब तक कि हम संपूर्ण भारत पर विस्तार नहीं कर पाएंगे, यहां संख्या की बात नहीं, ना ही धन या निर्धनता का प्रश्न है। मुट्ठी भर मनुष्य ही संसार को हिला सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि वे सभी मन, कर्म तथा वचन से एकजुट हों। इस प्रकार इस महान चेतना का जीवन संपन्न हुआ। इस दिव्य जीवन के संदेश को सतत व्यवहारिक रूप में परिणत करने के लिए हम सब सदैव प्रयत्नशील रहें। और अधिक जानकारी के लिए रामकृष्ण संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। कुछ उल्लेखनीय पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं। नव भारत के युवा आदर्श स्वामी विवेकानंद के संदेश के प्रचार द्वारा व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को श्रेष्ठतर तथा सार्थक बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन सदैव तत्पर है। भारत में रामकृष्ण संघ के प्रकटन केंद्र, रामकृष्ण मठ चेन्नई, रामकृष्ण मठ बाग बाजार, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर कोलकाता, रामकृष्ण मठ विलिंगन, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रमा रायपुर, रामकृष्ण मठ धंतोली नागपुर, रामकृष्ण आश्रमा राजकोट, रामकृष्ण आश्रमा मैसूर। स्वामी जी के पुण्य स्मृति में उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर प्रगति हेतु
यह वीडियो सीडी उनके ही श्री चरणों में समर्पित है। इस सीडी वीडियो कैसेट या किताबों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्री रामकृष्ण आश्रम, यादवगिरी, मैसूर, 570020